कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका बदला जो है मैं खुद दूंगा। तो अब ये कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला खुद बदला देंगी। बुखारी की हदीस है। अब अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह क्या कुछ दे सकते हैं। और जब अल्लाह खुद कह दें कि मैं खुद दूंगा, उनकी शान रहीमी और शान करीमी कितनी बुलंद है कि बंदे को कैसे कैसी चीज़ों से नवाज देंगे। कितना बड़ा बदला है दोस्त। और एक हदीस में इसके नाम फरमाया कि ये कि आखिरत में जब जन्नत में जाना होगा तो रोज़दारों के लिए एक दरवाज़ा खुद कायम किया गया है जिसका नाम रेहान है। उस दरवाजे का नाम भी बता दिया गया हमें। और उस दरवाज़े पर रोज़दार दाखिल होंगे और फिर जब सब रोज़दार चले जाएंगे उस दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो खालिस और खालिस वो दरवाज़ा जो होगा वो रोज़दारों के अहतमाम के लिए होगा कि वो उससे दाखिल हो सकते। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। उन्होंने अर्ज़ की कि उसने मुझे ऐसा अमल बताया कि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊँ। तो आप सब उसने फरमाया कि मामा अगर ये तेरी ख्वाहिश है तो रोज़ा रख ले, सीधा जन्नत में चला जाएगा। पता चलता है रोज़ा ऐसी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि डायरेक्ट इंसान को जन्नत में पहुँचा देता है। बड़ा सस्ता सौदा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया हमने सुबह से अब तक, कितने बड़े बड़े इनाम आते हैं इस रोज़े पे हमें मिल रहे हैं। देखो हदीस है कि रोज़ा जो आखिरत में काम करेगा कि वो दो जख्म नहीं जाने देगा सुभान अल्लाह, बल्कि हदीस में है कि सुपर बन जाएगा, ढाल नहीं जिस तरह बन जाती, रिकॉर्ड बन जाएगा। जा ही नहीं सकता कोई रोज़दार जो जहन्नुम की तरफ जाए, कितनी बड़ी गारंटी है। और जहन्नुम से बचाएगा लोगों को, नहीं जाने देगा। अल्लाह उसको रोजे को इतनी ताकत दे देगा। तो कितनी बड़ा है नाम भाई, देखो अल्लाह ताला ने इस रोजे में रखे हैं और भी बहुत इनाम।
ये देखें कितना बड़ा इनाम है। किसी इबादत में तो शायद मुझे नहीं पता कि सौदे में तो अल्लाह ताला कहता है कि 10 से शुरू करता हूँ सवाब और 700 तक पहुँचा देता हूँ आदमी। नमाज वही वही एक्शन है सारे, जो पढ़ रहे हैं वही आयत पढ़ रहे हैं, वही कुरान पढ़ रहे हैं, वही जनाब तस्बीहात कर रहे हैं, अमल तो वही कर रहे हैं, वही तहज्जुद पढ़ रहे हैं, वही नफिल पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाब कहाँ जा रहे हैं आप ये देखें। इधर रमजान जान चला जाएगा तो पता चलेगा कितने मुफलिस हो गए हम लोग, फकीर हो गए, गरीब हो गए, लूट मार है जिसको कहते हैं लूट मार, मुफ्त की सेल लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 700 गुना तक अल्लाह तक सवाब देता है, मजा नहीं आ रहा बातों को सुनकर। किसी को बताओ ना यार, बस तुम इस तरह करोगे, इस सड़क पा ये दुकान ले लो, बस कल तक इसकी कीमत जो लाख हो जाएगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आँख खुल जाए हमारी, अभी हमें नहीं पता 700 गुना सवाब। मामूली चीज है कि एक नमाज पढ़ रहे हैं, सवाब उसका किधर जा रहा है सवाब, बताएं 700 गुना। तो रोजा कहता देखा ये है मेरा कमाल तुम्हारे से। वो कहता है इस गलत फहमी में ना रहना, अभी रोजा आपसे डायलेक्ट कर रहा है, किस गलत फहमी में ना रहना कि तुम्हें सवाब इस वजह से मिल गया है सारा कुछ जितना भी है, और बहुत कुछ सवाब है कि तुमने खाया पिया कुछ नहीं। कहते जाके अस्पतालों में देख लो, बहुत से लोग ऐसे बेचारों जिसका सालों कुछ नहीं खाया होगा, पता ही नहीं होगा कि नमक मिर्च होता क्या है, बेचारे पड़े। ये तो मरीज भी कर लेते हैं, आज डॉक्टर आपको कहते जी तेरे शुगर बंद है, तो शुगर खाएंगे आप? कभी नहीं खाएंगे। कहते सालड बंद है, सालड के नज़दीक भी नहीं जाएंगे, सब पकौड़े शकौड़े ख़त्म। अब चीनी के दिन पकौड़े बनते हैं नहीं, ख़त्म। ये तो कोई कमाल नहीं रोज़ा कहता है, ये नहीं समझो कि तू भूखा रहा है, सुबह से कुछ नहीं शाम तक खाया तो बस इसमें कमाल हो गया तेरा, और तू जनाब अल्लाह इतना सवाब तो कमा लेगा, और इतनी ऊँची चीज़ तू ले लेगी। रोजा कहता है कुछ और है इसमें, रोजा बताता है और इसको समझे। रोजा ये कहता है अकल करना, असल चीज समझो मेरे से कि मुझे क्यों सवाब दिया गया है इतना ज्यादा, क्यों मेरा एहतमाम किया गया है, क्यों तुम्हारे लिए बख्शिश किए गए हैं इस महीने के अंदर, क्यों अल्लाह पाक ने तुम्हारे पे इतनी मेहरबानी की है, कर्म की है, उसकी वजह यह क्या। रोजा कहता है कि मुझ में अल्लाह ने एक ऐसी इबादत रखी है, सारी इबादत की रूह ही वही है, बल्कि अल्लाह के नबी उस इबादत उस चीज के बारे में फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज जो है वो यही है जो रोजे के अंदर एक चीज है जिसकी वजह से इनाम मिला है। सबसे अहम चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यही वो चीज है, और एक और चीज फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन अता जो किसी शख्स को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं वो यही चीज है कि रोजे के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से रोजगार को सवाब मिला है। ना ये सवाब हमें जिक्र की वजह से मिला, ना कुरान की वजह से मिला, ना तहज्जुद की वजह से मिला, ना भूख की वजह से मिला, ना नंग की वजह से मिला, नहीं, उसी इबादत की वजह से मिला है। अल्लाह पाक ने वो इबादत या वो चीज इस रोजे के अंदर रखी है। 30 दिन में करने के बाद आदमी इतना कमा लेता है कि जिसके इंतहा कोई नहीं, 30 दिन में कमा लेता है तो 80 साल अगर उस इबादत को इंसान करे तो कहां से कहां पहुंचे। ये बात कर रहे हैं रोजा हमारे से दोस्तों, कहते हैं इस ड्रामे पे ना समझो कि जो कुछ तुम कर रहे हो, ये सब चीज को समझो, सब चीज इसमें है क्या, मेरे अंदर है क्या, जो रखी चीज है। किसी इबादत में वो चीज आपको इतनी नजर नहीं आएगी जितनी मेरे में नजर आती है, वो इतने दिन तक नजर आती है, इसलिए मैं रोजा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे आला चीज, सबसे बेहतरीन नतिया। बल्कि हकीकत यह है कि जन्नत में उसके बगैर जा ही नहीं सकता, ईमान का फायदा हो ही नहीं सकता, इस्लाम का फायदा हो ही नहीं सकता,
बल्कि उसके बगैर तो ऐसा है कि ईमान इस्लाम लेके भी आदमी ना उसको मिट्टी में मिला दिया। अहम चीज है, सबका दार मदार उसके ऊपर है। क्या चीज है बताओ? एक तो हो गया ईमान, है ना, एक हो गया इस्लाम, उससे भी बुलंद है ये, सुभान अल्लाह बोले। वो क्या चीज है? ईमान, इस्लाम, उसके बाद जो चीज है वो क्या है? यकीन। फिर बोले सुभान अल्लाह। यकीन लेकर जाएगा आगे, ये बढ़ाता जो है इंसान को कहां जाता है? जन्नत तक कहां पहुंचाता है? यकीन पहुंचाता है। भाई ईमान क्या है? ईमान तो ये है कि आपने अकीदा रख लिया, दिल से अकीदा रख लिया, अल्लाह को मैं मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, मौत को भी मानता हूँ, मौत के बाद की जिंदगी को मानता हूँ, आखिरत को मानता हूँ, मरने के बाद उठाए जाएंगे उसको मानता हूँ, जन्नत को मानता हूँ, दोज़ख़ को मानता हूँ। अकीदा आ गया ना दिल में, जब ये दिल में अकीदा आ गया तो फिर क्या हो गया? ईमान आ गया। अकीदा आ गया तो क्या आया? ईमान आ गया। और अगर इसका वर्बली जबान से इकरार कर लिया तो फिर क्या आ गया? इस्लाम आ गया। देखिए अकीदा भी आ गया और जब जबान से इकरार कर लिया तो इस्लाम आ गया। तो आगे क्या चीज है? जब इन दोनों चीजों के ऊपर अमल आएगा तो वो यकीन होता है। यकीन जो आपसे अमल कराएगा, अगर यकीन नहीं है तो ईमान जिस पर आप लेकर आए हैं, ईमान हम जिसको तो हमने डिक्लेयर किया है, तो अमल नहीं होगा। अमल जो कराएगा वो क्या कराएगा? इन दोनों चीजों पर यकीन कराएगा। और यकीन नहीं तो अमल नहीं है, तो अमल नहीं है तो बेचारे ईमान भी बेकार जा रहा है, इस्लाम भी बेकार जा रहा है। इन्नल लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ताला कहते हैं ईमान के बाद तो जो असल चीज हो क्या है? अमिलुस सालिहात से बात यकीन है। ये यकीन है जो हमें दोज़ख़ से बचाता है, जन्नत में पहुंचाता है, अल्लाह की माफ़त दिलाता है, दराज बुलंद करता है, जन्नत में दिलाज दर्जा दिलाएगा, दोज़ख़ के अज़ाबों से बचाएगा, यकीन बचाता है। और यकीन यही नजर आता है आदमी, कितना यकीन है हमारे में। हमारा जो ईमान हम रखते हैं, जो अकीदा हम रखते हैं, उस पर हमें यकीन कितना है, वो तो प्रैक्टिकल बताते हैं ना आदमी को। अगर मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह को मैं मानता हूं, तो यकीन का तकाजा यह है कि अल्लाह जो हुक्म दे उस पर अमल करो, है या नहीं? यकीन तो अल्लाह का मानता हूं, और बात किसकी मानता हूं? सुभान अल्लाह। ये कौन सी बात है? ये कौन सा ईमान हो? अल्लाह ताला के ईमान किस किस्म का? तू किस तरह मेरे पर ईमान ले आया था? ईमान तो मुझ पर लेके आए, ईमान तो लाता है तमाम अंबिया पर, और फिर खास तौर पर जो आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे नबी हैं, जिनके यहाँ उम्मत है। कोई है जो कहेगा मैं नहीं लाता ईमान? सब कहेंगे मुसलमान हैं, कहते हैं ईमान लाएंगे। ईमान तो उसकी लाते हैं, लेकिन नकल किसकी होती है? इताअत किसकी होती है? शिकलें कैसी होती हैं? मामलात हमारे कैसे होते हैं? ये ईमान है? ये तो कंट्रास्ट है बहुत बड़ा। तो इसका मतलब यकीन ही नहीं है नबी पाकसम पे। कह तो दिया लेकिन यकीन नहीं आ रहा, डिक्लेयर कर दिया है लेकिन यकीन नहीं है। और जिसका यकीन होगा, यकीनन उसका जो मामला सारा होगा, फिर वही होगा जिस पर यकीन रखता है। अल्लाह सुब्हान तआला के हराम नहीं गाना जी, मैं तो बड़ा यकीन करता हूँ जी अल्लाह ताला पे, ये तो फला। और जब आता है फैक्ट्री का मामला, सबसे ज्यादा हराम हम खाते हैं, सबसे ज्यादा उसके कानून को हम तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा नाफरमानी अल्लाह की जाती है। तो क्या चीज नहीं है? यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। तो यकीन नहीं है तो जिंदगी की सारी बेकार है इंसान की। और अगर यकीन आ जाए, सुभान अल्लाह, और यकीन आ जाए तो फिर मुझे बताएं जिंदगी क्या हो जाए हमारी, खुद सोचे रहे। क्योंकि हर एक लम्हे पर अल्लाह ताला की गाइडेंस में उतरती है, अल्लाह का हुक्म आता है,
कोई ऐसी चीज हो हमारी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, कोई ख्वाहिशात रोक सकती हो हमें, दुनिया की कोई ताकत रोक सकती हो कि अल्लाह का हुक्म आ रहा है और मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि ये मेरा अल्लाह है, ये कादिर है, ये देने वाला है, सब कुछ इसके अख्तियार में है। कहते तो बड़े जबान से तो बड़े बड़े लफ्ज निकलते हैं हमारे, जितनी चाहे लफाजी निकाल लें पूरा कुरान पढ़ देंगे, एक रात में पूरा कुरान खत्म कर देंगे, सब कुछ आता है। लेकिन जब कुरान कहता है कि जो कुछ तूने पढ़ा है उस पर यकीन कितना है मुझे करके तो दिखा, हदीस में आता है कि सबसे ज्यादा शिफात जो करेंगे दो चीजें करेंगे, याद रखें दो चीजें शिफात करेंगे, एक क्या चीज रोजा और दूसरा क्या चीज कुरान। वजह उसकी क्या है कि दोनों जैसे बताया कि रोजा भी जो मजीन किया गया है, जो सजाया गया है, वो इसी इबादत से सजाया गया है कि जितना यकीन रोजे के अंदर है किसी चीज में इतना यकीन नहीं है। आप ही देख, हम जो ये समझ रहे हैं कि हमें जो सवाब मिल रहा है ये भूख नंग से मिलता है, वो कहता नहीं वजह नहीं है, वजह यह है कि तुमने थोड़ी देर के लिए ड्रामा कर लिया है, ईमान तो था ना तेरे अंदर, तुमने अल्लाह पे यकीन कर लिया है। बोले सुभान अल्लाह, थोड़ी देर के लिए यकीन कर लिया है, सुबह से शाम तक के लिए तुमने अल्लाह पे यकीन कर लिया है। जब अल्लाह ने कहा नहीं खाना तो तुमने नहीं खाया, अल्लाह ने कहा नहीं पीना तुमने नहीं पिया, अल्लाह ने कहा तुमने कोई हराम काम नहीं करना तुमने हराम काम नहीं किया, अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना और तू झूठ नहीं बोल रहा। क्यों? कि तुझे अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी मैं इबादत ही ऐसी हूं, अल्लाह ने सजाया मुझके साथ है कि जैसे ही तूने मुझे एक्सेप्ट किया यानी रोजा रखा तो तुझ में सिफात आ गई, तूने अल्लाह को यकीन करना शुरू कर दिया, अल्लाह पे तुझे यकीन आना शुरू हो गया। और जब तुझे इतनी देर में मैंने यकीन दिलाया अल्लाह पर, इतनी देर पर जब मैंने यकीन दिलाया तो तेरे क्वालिटीज ही बढ़ गई, सिफात ही बढ़ गई, अल्लाह ताला कहने लगा कि अब ये ऐसा इंसान बन गया है, इतना कीमती इंसान बन गया है कि अब इसका बदला मैं खुद दूंगा। कल तक जो कोई पूछता कोई नहीं था तुझे, जहन के बाग फिरता था इधर उधर अपनी ख्वाहिशात के पीछे, कुत्ते की तरह तो फिरता था, लेकिन चंद घंटों के अंदर जब तूने अल्लाह पर यकीन कर लिया कि मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, सेहत भी अल्लाह देता है, सब कुछ वही देता है, और अमलन तूने करके दिखा दिया कि हुक्म आ गया अल्लाह का, खबरदार तूने खाना नहीं है, अब इस अब आ जाए यकीन में दिखाता हूँ आपको। हम तो बड़े बड़े इंसान है, अभी दो दिन पहले एक छोटी सी बच्ची 6 साल की थी, पत्नी 7 साल की थी, बच्ची थी, टिका गई रोजा कहते मैंने रोजा रखना है। माँ बाप ने कहा तू बहुत छोटी है भाई, 6 साल की तू कहते नहीं मैंने रोजा रखना, जिद भी आ गई उसने, वो सब खा रहे थे पकौड़े छकड़ो, उसने सुबह खा लिए, उन्होंने दुआ कहते मैंने दुआ पढ़ ली। माँ बाप ने बड़ा समझाया कि भाई तू 24 घंटे का है, तू खाएगी पिएगी नहीं, तो कहें चलो ढंग खा लेगी, ऐसी बकवास कर रही है, इसको कहा इसने कहा चलना इतनी देर तक, हम भी पीछे हो जाएंगे तो किचन में ऐसे भेज देंगे इसको, तो चुप खा पी लेगी, हम शाम को शोर मचा देंगे भी इसने रोजा रख लिया रोजा रख लिया। ये 2 दिन की बात किसने होता है तो, लेकिन रोजा कहता है मैं तो रोजा हूं, मैं तो आया ही इसलिए है 30 दिन के लिए, अल्लाह ने उतारा है मुझे इसलिए है कि इनको बता कि बेवकूफ हो तुम, बगैर यकीन की जिंदगी गुजार रहे हो, जानवर बने हुए हो तुम, बिल्कुल जानवर बने हुए हो तुम, अपनी जिंदगी को तुम खराब बर्बाद कर रहे हो, अपने हर चीज को खत्म कर रहे हो, यकीन पैदा करो मेरा, यकीन पैदा करो, रोजा कह रहे मैं एक बच्ची में आ गया हूं, बता रहे देखो एक बच्ची में आ गया तो उसका यकीन देखो, शाम तक उसने खाए कुछ नहीं, लंबी पड़ गई और बुरा हाल उसका हो गया और उसको होश नहीं आ रहा, माँ जोर लगा रही है, बाप जोर लगा रहे हैं, कहते हैं नहीं उनको छोड़ दो, उसका ऊपर चले जाते हैं तो चले जाते हैं किचन में बैठती हैं, जो खाने वाने बनाते हैं ना कोई चिप्स वगैरह, खुशबू तो आती है ना आदमी, बड़ा बड़ा फैल जाता है बना के, इधर उधर हो गए सब, गई नहीं चक्कर ही नहीं काटा उस तरफ, गई नहीं देखा ही नहीं उसे क्या चीज़ है, आखिर शाम भी तू खाएगी क्या, क्या पसंद है तुझे, कहती जी मुझे वो पसंद है बर्गर पसंद है चीज वाला मुझे ला लो, सुभान अल्लाह उससे मैं रोजा खोलूंगी। क्यों भाई उसने क्यों नहीं खाया क्यों नहीं पिया, उसको शोर ही नहीं था, उसको यकीन था कि मेरा रब है, अगर मैं अकेले भी खा लिया तो पता लग जाएगा अल्लाह ताला, रोजा नाम ही इस चीज का है, मेरा रब देख रहा है,
और यही सबसे बड़ी बंदगी है। अगर ये सिर्फ इंसान में पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम कि रब मुझे देख रहा है, सुभान अल्लाह, वो तो दुनिया का मुमताज इंसान बन जाए। साहबी तो ना बने, लेकिन साहबियों के दर्जों तक इंसान, वो इंसान वो उसकी सफात पहुंच सकती है उस शख्स की। सारे साहबियों के अंदर सिर्फ एक यही सिफत थी ईमान के साथ, उनमें सबसे बड़ी चीज सिफत थी वो क्या चीज थी, यकीन की सिफत थी। ना जवाब यकीन था, और ऐसा यकीन था कि उनके बारे में तो इतना बुलंद था उनका मुकाम कि दुनिया के अंदर अगर एक मुट्ठी वो तकसीम कर दें उठाकर खैरात, तो सारी दुनिया पहाड़ों तक भी खैरात कर दे तो उनके खैरात तक पहुंच नहीं सकती थी। मेरे भाई वो कहानी किससे सुनते हैं, देखें कितने रमजान गए हमारे, कितने रोजे गए। हमारा हाल तो ये है कि पेशाब निकल जाते हैं थोड़ी सी, इतनी सी भी आजमाइश आ जाए हवा में उड़ जाते हैं हमारे, अल्लाह अल्लाह सब भूल जाते हैं। उन्हें यार मजबूर है, क्या करना है यार, हम तो यार यहाँ के अमल करें सुन्नत पे, कैसे अमल हो सकता है यार, यार हम हमें हराम खा के मरना है, बच्चों को तो हमने पालना है, ये कर्जे कहाँ से उतारेंगे, फला क्या करेंगे, है ही नहीं रब हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, ना पेट की तजूरी को जो हमने आराम से भरा हुआ है, हर हुक्म अल्लाह के नाफरमाने से माना है, यही मस्जिदें जो खाली होती हैं, यही मस्जिदें जो दूर वीरान होती हैं, ना कोई नमाज पढ़ता है, ना कराता है, ना लेना ना देना, पूरे आलम इस्लाम के अंदर ये हाल होता है। अगर अल्लाह के बात पे इंसान अल्लाह पे यकीन कर ले, सिर्फ इतना यकीन कर ले अल्लाह मुझे देख ले, मैं हर वक्त अल्लाह ताला मेरे साथ, वह मा कुम अइनमा कुंतु रीत, इतना करीब है मेरा और इतना नजदीक है कि मुझे हर तरह से वाच कर रहे हैं, और जो है हकीकत ही है। हम तो भाई इतने ब्लाइंड है कि हमारे तो जो इधर उधर फिश्ते बैठे हुए हैं जो लिख रहे हैं सब कुछ, उनके कलम चल रहे हैं, हम तो उनको भी नहीं देख सकते, वो तो छोड़े हमारे घर में जिन्नात हैं, उनको नहीं मुसाफा कर सकते, उनसे बिस्तरों पे साथ सुला लेते हैं अपने जिनों को, हम घरों में साथ बुलाते खाना खा रहे होते हैं उनके साथ, हमें तो वही नजर नहीं आते अपनी बदमाशियों से। किसी को जिन जा कहते ये अल्लाह का वली है, सुभान अल्लाह, जिन वाले को कहते हैं ये अल्लाह का वली है, पहुंचने वाला है, ये पहुंच गया, इसने जिन को देख लिया, बस ये जिन निकाल देता है और ये कर लेता है, इससे बड़ा आदमी कोई नहीं है, बस ये बस ये अल्लाह का वली है, ये जिन हमसे बातें करता है। तो मेरे भाई बात तो असल ये है कि अल्लाह ताला ने सारे पर्दे में रखी हैं, गैब के अंदर चीजें हैं, क्यों, यही तो है गेम, तो यही है और गेम सारी जितनी भी किस चीज पर है, सब कुछ छुपा दिया और कहता फिर तुझे इस पर यकीन करना पड़ेगा, जन्नत नहीं देख सकता यकीन करेगा, दोजख नहीं देख सकता यकीन करेगा, दोजख से इतना यकीन करेगा कि जिस चीज को मैंने कह दिया कि तुझे दोजख मिल जाएगी तो सोच भी ना सकेगा कि मैं जिंदगी में इस काम को कर सकूं, मुस्तफा सोच भी सकूं, इतना यकीन होगा कि दोजख मेरे सामने है, सामने है मेरे, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। ये तो एक मोमिन की जिंदगी है, ये तो फर्क करती है ना मानने वाले मानने वाले पर। बाज दफा ना मानने वाले सवाल करते हैं कि यार हमारे तुम्हारे फर्क क्या है, जो हम कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, वाकई कहते हैं वो, जो मशरूबात मैं टिका रहा हूं तू टिका रहा है, जो हराम मैं खा रहा हूं तो वो खा रहा है, जो जना मैं कर रहा हूं तो वो भी कर रहा है, तेरी भी गर्लफ्रेंड है मेरी भी गर्लफ्रेंड है, तेरी मुंह साफ तो मेरा भी मुंह साफ, तू कहां से पे? तेरे फर्क मेरे फर्क कहां नजर आया, फर्क तो एक ही चीज में नजर आता है कि अगर तेरा यकीन हो और मेरे में यकीन नहीं, सुभान अल्लाह, तब जाके तू फर्क महसूस करता है इंसान, तब तो जाके फर्क महसूस होता है। तो रोजे में जो जो सारा इनाम अल्लाह पाक ने रखा है मेरे दोस्त, सब कुछ ये सब इस चीज पर रखा है कि एक चीज अल्लाह ने दी है कि उस वक्त इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है, करोड़ों रुपये आपको देंगे यार तू देने छोड़ दें आप, जब आपने सुबह रोजा रख लिया तो शाम तक इंसान की कोशिश यही होगी कि वो जो रोजे के लवाजमात हैं कि यार वो ना करो, सारे वो पूरी जिंदगी के लवाजमात, ये तो नहीं कि रोजे में आपको लगेगा झूठ ना बोल सिर्फ बाद में बोल, रोजे में क्या सिर्फ नमाज पढ़ो बाद में नमाज ना पढ़, या रोजे में अल्लाह पाक ने कहा कि भाई तू बुरे काम ना कर तो बाद में तू कर, यही तो पता है कि भाई ये जो रोजे में तूने तुरंत घंटे काम किया है कि अल्लाह के बात पे यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला जो है नाराज हो जाएंगे मेरे कामों से, वाखिर पूरी जिंदगी तेरी ऐसी है, जिंदगी का सबक यही है, हमारा जिंदगी का सबक यही है इंसान का, कैसे यकीन इंसान पे आ जाए, जैसे आज हम
सुबह उठते हैं, रोज़ा रख लिया, ना पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना चाय पी सकते हैं, ना महबूब को, जो हलाल है वो भी हराम हो गई। आप यहां इतना ऊंचा हम काम कर, बीवी हलाल है लेकिन वो भी हराम हो गई। जो हलाल चीजें थी वो भी अल्लाह ने हराम कर दी, वो भी तुम खा सकता, वो भी तुम नहीं रह सकता। तो जो अल्लाह ताला ने जिस वक्त निकल जाते हैं आदमी से रोजे से, हलाल तो हलाल कर दिया, तो हम हराम को हलाल समझ जाते हैं। इतना भी हम अल्लाह की इस बात पर यकीन नहीं रख सकते, कायम नहीं रह सकते, इस तरह ख्वाहिशात के पीछे हम चल पड़ते हैं। तो रोजा यही कहता है भाई, अगर तुम इसी तरह जिंदगी गुजार लो जैसे एक 24 घंटे तुमने जिंदगी गुजारी है और तसव्वुर में तुम्हें यकीन हो गया कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अगर मैं छुप के पानी पी लेता हूँ, हाथ फेर के चला जाऊंगा लोगों क्या पता, लेकिन क्या अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं कहाँ जाएगा इंसान पानी के हाथ में लगाएगा, कहाँ जाएगा इंसान किसी काम नहीं करेगा, यार नहीं मैं रोजगार हूं मैं ऐसा नहीं कर सकता, होती है कैफियत नहीं होती, रोजगार पूछते करते हैं ना ये काम, यही काम अल्लाह से दुआ ये करो कि अल्लाह ताला ये यकीन हमें पैदा हो जाए। रोजा कहता है कि तुम्हें मालूम है, देखना चाहते हो मिसालें कौन सी कैसे लोग यकीन वाले गुजरे हैं तुम्हारे में, तो सबसे पहले जो मिसाल देखो इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली कौम जो थी वो असहाबे कराम थे, यकीन लाए थे, उनकी वाकयात देखो, उनकी जिंदगी को देखो, सारे यकीन पे मबनी था, जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया पत्थर पे लकीर हो गई, उसके बाद कुछ आप लोगों को देखना चाहते हो जिनके यकीन बुलंद थे, ताबीन में थे, तब ताबीन में थे, फिर लोग जो आए वो कौन लोग, औलिया अल्लाह है, अल्लाह के नेक बंदे है, सारी जिंदगी पे उनकी भी इसी तरह चलती आ रही है, उन सब में यकीन था। तो अब यकीन का टेस्ट तो मैंने तुम्हें करा दिया, टेस्ट तो आ गया ना हमें, यकीन कितनी मजेदार चीज है, है? कितनी प्यारी चीज है कि जनाब कितने बुलंद हो गए हम, इससे फरिश्ते भी हम पे रश्क कर रहे हैं, भूख नंग से नहीं कर रहे बल्कि यकीन पे कर रहे हैं कि आज इस बंदे ने यकीन कर लिया अल्लाह पर, कल तक जो मुनफरद था मुनकर था अल्लाह से कहने के बाद भी मुनकर था, कहता ला इल्लल्लाह लेकिन था इल्लल्लाह करीब नहीं था अल्लाह के बिल्कुल भी, आज उसने यकीन कर लिया कि मेरा अल्लाह है मेरा मौला है, फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं, अल्लाह भी तारीफें कर रहे हैं, जन्नत के दरवाजे भी खोले हैं, हूरें भी सजी हुई हैं, नारे भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके फैसले भी जिंदगी हो रहे हैं, जन्नतें उनके लिए खुल चुकी हैं, क्योंकि इतनी देर उसने यकीन कर लिया शख्स। तब हमने ये सिर्फ 30 दिन यकीन के साथ दिन दिन गुजारनी या पूरी जिंदगी, इसका सवाल जवाब थे आप पूछ रहे हैं आपसे, टेस्ट तो कर लिया हमने कितने बुलंद हो गए, लेकिन बुलंदी के बाद आदमी फिसल भी तो जाता ही नहीं, फिसलता फिसलता है ना, अल्लाह हमें इतना बुलंद कर दे 30 दिन में, और 30 दिन के खत्म होते ही जब रोजा खत्म जाए गुड बाय कर दे हमें, तो फिर तो हम फिर रोजा तो नहीं होगा ना, तभी रोजे का यकीन है जो हमें दिला रहा है, पक्का किया सहारा दिया है यकीन का, रोजा गया नहीं तो फिर तो हम बेसहारा होंगे, फिर मुझे बताया फिर अगर हम फिसल गए तो फिर हम कहां जाएंगे, जब दोस्ती चले जाएगी जब ये सहारा मारा है उसने रोजे के नाम से हम खर्च कर रहे हैं, नहीं यार रोजा है, नहीं यार रोजा है, यही कहते हैं ना, और जब रोजा चला गया कहता मैं चला जाऊंगा 30 दिन के बाद, तू फिर अकेला हो जाएगा, तो फिर तक तू फिसल जाएगा, फिर अगर फिसल गया, और फिसलने के बाद तो यही होता है कि आदमी खिड़की से गिरा तो कहीं बीच में तो नहीं रुकेगा, कहां जाएगा सीधा थल्ले नीचे जाएगा, 100 ऊंची बिल्डिंग बनी हुई ऊपर से जाएगा तो कहाँ जाएगा, पहली बिल्डिंग किधर जाएगा, खिड़की में से गिरेगा तो कहाँ जाएगा नीचे, जब आदमी फिसलता है तो बुलंदी से कहाँ जाता है नीचे जाता है। आई आज ही वो इंसान जिस पे सारे फरिश्ते फख्र कर रहे हैं, अल्लाह तारीफें कर रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, खुदा ना खास्ता जब ये फिसला इतनी ऊंची बुलंदी से तो फिर कहाँ जाएगा, जहन्नुम के दरवाजों में जाएगा, फिर तो वो वक्त रही हमारी, सहारा तो ले लिया जाएगा हमारे से रोजे का, संभलना चाहते हो रोजा पूछते बुलाओ, संभलना चाहते हो या फिसलना चाहते हो, क्योंकि एक लकड़ी आदमी जो पकड़ता है बैंत पकड़ता है इसलिए कि भाई मैं इस बैंत के साथ चलूंगा, इस लकड़ी के साथ स्टिक के साथ चलूंगा तो मैं सहारा देगी और मुझे संभालेगी, मुझे गिरने नहीं देगी, अगर कोई आदमी उससे बैंत खींच ले तो क्या होगा, उसको खस्से हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, खस्से हो गया ना तो मैं तो गिर जाऊंगा, बाकी मेरा क्या है, मैं तो अभी गिरा
तो ये साला के रोजा कहता है मैं गया नहीं और तू गिरा नहीं, फिसल जाएगा, और जब तू फिसल गया तो इस बुलंदी से नीचे आएगा। बेवकूफ, कहां तेरे नाम लिखे गए जन्नत के दरवाजे, रेहान तेरा इंतजार कर रहे जहां से तुझे गुजारा जाएगा। ये 30 दिन के बाद तू नीचे आना चाहता है। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बड़ी ज़्यादती होगी अपने साथ कि अल्लाह ताला ने हमें, जब हम कहते हैं रमजान दिया बड़ा कर्म किया, अल्लाह ने रमजान दिया बड़ा कर्म किया, क्यों कर्म किया कि यकीन दे दिया और हमें बुलंद कर दिया, हमें जन्नती बना दिया। और रमजान से क्या मतलब, और रमजान की क्या हम तारीफ, यही है वजह कि अल्लाह ताला तूने रमजान दिया, तुम पे सबसे बड़ा कर्म ये किया कि तूने हमें बायकीन इंसान बना दिया, मोमिन बना दिया। हम तेरी बातों पे अब कर रहे हैं ना, हम गुनाह कर रहे हैं ना, हम फला काम कर रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम गुनाह भी छोड़ रहे हैं, हम किसी के पास नहीं जा रहे, जिसे तूने मना किया है वो हमारी सब गैर हो गई है, मुकम्मल चल रहा है काम अल्लाह के फजल से। तो अब यह है कि इतना बड़ा इंसान इंसान को मना दे, उसके बाद यह है कि फिर नीचे आ जाए आदमी, बस्ती में आ जाए, फिर क्या पता साल के बाद रमजान आएगा, 1 साल के बाद, और हम उस जहन्नुम के दरवाजे पर गिर के पहुंच चुके हों, गिरने के बाद हड्डी शड्डी सब टूट गई हैं हमारी, कुछ बचा हमारा, आओ एक चीज करते हैं फिर। अगर मेरी बातों को मफहूम समझ गए जो मैंने आपको समझाया है, मैं तकरीर नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है मैं आपको दे रहा हूँ, ये आखिरत का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं अक्सर बता रहा हूँ। 2004 मर्द भी सुन रहे, हाथ बांध के अर्ज करता हूं कि इस बात को गौर से समझे कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आज हमें बख्श दिया है, आज हमारे सारे गुनाह साफ कर दिए हैं, आज हम जन्नत में पहुंच चुके हैं, आज हम तोबा कर चुके हैं, याद रखो। लेकिन कल जब रमजान चला गया तो कल मैं अपना नाम जहन्नुम में लिखवा लूं? नहीं, हमने क्या कोशिश करनी है कि जो आज है कल भी हम वही हों, हमें किसी स्टिक की जरूरत ना पड़े, हम अपने दोनों पाओं के साथ चलें। हर बीमार ये चाहता है कि स्टिक में से खत्म हो, मैं इंडिपेंडेंटली अपने पाओं के साथ चलूं, चाहता नहीं चाहता। हाँ, हम भी इस बीमार की तरह आज यही तैयार करें कि भाई हम ये नहीं कर सकते काम, आखिर ठीक है रमजान चला गया तो अल्लाह ने तो मुझे बख्श दिया है और ये तो बड़ा नेमत हुई, अगर ये रमजान ना आता तो मैं तो गया था। जो हमारे हालात थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो हमारे हालात थे गुनाह ही गुना, रिया ही रिया, तकबर ही तकबर, फ्रॉड ही फ्रॉड, झूठ ही झूठ, बनावट ही बनावट, था ही कुछ नहीं। तो कलम ये फरमाया अल्लाह ताला ने हमें रमजान तक पहुंचा के हमें बख्श दिया, कलम किया, रहम किया, बुलंदी दे दी, बुजुर्गी दे दी, बड़े बड़े इनामात दे दिए अल्लाह ताला ने, दुआएं कबूल कर दी। ये हुआ कर्म नहीं हुआ तो ये फिर ये ड्रामे रखना चाहते हो कभी, फिर अगर रमजान कर लेंगे बस ड्रामा खत्म हो गया, चलो जी फारिग, अब चलो फिर उस काम पे चले जाएं। 99% यही काम शुरू करते ना, ये नहीं करते। रमजान के बाद पूछोगे जी कैसे, ये आम हो रहा है, पता ही नहीं चला जी किधर गया, आराम से गुजर गया। ये कोई जिसका कोई टेस्ट दे रहा उनको पता ही नहीं हमने रोजा रखा क्यों, वो समझे पता ही चला गुजर गया, यानी मतलब क्या कि खाने पीने का हमें पता ही नहीं चला जी, भूख का पता ही नहीं चला, बड़ा हमें तो बड़ा आसान रहा जी ना जी साहब, यही कहते हैं लोग, उनका मफहूम उनका फलसफा क्या है रोजे के बारे में, इस वजह से खाओ पीने से जो तकलीफ हुई थी गुजर गई, मैं पता भी चलिए आराम से सोते रहे, आराम से गुजर गया, 4-5 घंटे सो लिए गुजर गया। अल्लाह के बंदो, क्या रमजान तुम मैसेज दे गया, क्या तुम्हें रोजा दे गया, अकबर से सोचो तुम्हारी जिंदगी को बना गई है। मैसेज ये देखे गया है कि जिस तरह तुझे आज मैंने जन्नत के अंदर खड़ा कर दिया, अगर बंदे के पुत्र है तू, इंसानियत तेरे में है थोड़ी सी, अकल तेरे में है थोड़ी सी, तो तू अपने आप को पता नहीं तेरी जिंदगी कितनी है, इससे नीचे ना आना, अपने आप को इसी सतह पे कायम रखा, रखेंगे इस सतह पे कब कायम रह सकता है इंसान, क्वेश्चन पता, मेरी बात समझना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इशारे भी करूंगा कौन मेरी बात समझ रहे, इस सतह पे कायम रहने के लिए जो आज है हमें किस चीज की जरूरत है, कौन बताएगा? यकीन, क्या बात, बात समझ रहे हम, मेरे सो नहीं रहे, यकीन की। तो क्या जो आज रमजान ने यकीन दिया नहीं, तो लाठी ने सहारा दिया है ना, कैसे हो सकता है कि लाठी ले ली जाए तो मैं खड़ा रहूंगा, बताए। तो क्या जो यकीन आज हमें दिया गया, इस यकीन हमारे क्यों है, किसकी वजह से है, रोजा, माशाल्लाह,
अल्लाह उसका भला करे रोजा का, कि आज मैं टेस्ट दे दिया कि तब इस साँझ ये उसने दे दिया ना, रोजे दे दिया। तो क्या जो रोजे ने जो हमें यकीन दिया अगर रोजा चला गया तो कल क्या यकीन ये कायम रहेगा? और यकीन ही पे सारी जिंदगी हमारी है। यकीन गया तो मैं फिसल जाऊंगा, हम जहन्नुम में चले जाएंगे, याद रखिए बिल्कुल साफ क्लियर बात है। यकीन गया नहीं, और यकीन की पहचान यही है कि फिर वो अल्लाह की नाफरमानी में सान उतर आएगा, फिर हराम, फिर फलां, फिर फलां, फिर फलां, फिर फलां। तो अगर इस यकीन को कायम रखना चाहते हो, कायम रखना चाहता है हाथ खड़ा कर रखना चाहता है, इस यकीन को अगर कायम रखना है तो मैं एक गुर बता देता हूं जिससे सहाबा कलाम में यकीन आया था, जिससे ताबीन में यकीन आया था, जिससे सहाबीन में यकीन आया था, तबा ताबीन में यकीन आया था, और जिस यकीन ही की वजह से औलिया अल्लाह बनते हैं, इसको हिफाजत करते हैं कि यकीन ना गिरे। और तरकीब क्या है? सुभान, इस तरकीब को इस्तेमाल करना है हमने। अब रोजा तो गया, अब हमने इस तरकीब को इस्तेमाल करना है। अगर ये तरकीब हमने कायम रखी सच्चे दिल के साथ यकीन के लिए, कि यकीन हमने अपना कायम रखना है और कोई मकसद ना हो दूसरा, और सच्चे दिल के साथ सच्ची नीयत के साथ हमने उस फेल को किया जिससे यकीन हमारा कायम रहेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें अगर रमजान में दिलाए ना, रमजान में अगर हम खुदा हाफिज हो गए तो इंशाल्लाह यकीन के साथ जो आज हमें रुतबा मिला हुआ है इससे भी बुलंद रुतबे में जाएंगे। अभी तो हमें रुतबा इसलिए मिला है कि हमारा सहारा कौन है? रोजा है, तो इसमें हमें रुतबा मिल गया। लेकिन इससे बुलंद रुतबा क्यों मिलेगा? कि बेसहारे हम यकीन पे खड़े होंगे, बेसहारे खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक फेल हमें करना है जिससे यकीन इंसान का कायम रहता है, बुलंद रहता है। याद क्या चीज थी? आए साहबा अकराम से पूछते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं, बिलाल से पूछते हैं, हाँ तो उससे पूछे कि उमर बिन खताब, खताब के बेटे तू तो ऊंट भी नहीं चढ़ा सकता था, तुझे तो तेरा बाप गालियां देता था, लड़ाई देता था, और तू तो वो था जो तलवार लेके मारने गया था कि मारने में खत्म कर दूंगा, और तुझे क्या हो गया कि तू किस डिफरेंट इंसान हो गया है? तेरे में ताकत कहां से आ गई कि तू मिंबर में बैठ के बात करता है तो दरिया नीर जो चलना शुरू हो जाता है तेरे खत के ऊपर? तेरे ही ताकत कहां से आ गई तो अपनी चादर देता बढ़ती हुई मदीने में आग भागना शुरू हो जाती पीछे? तेरे कोड़े में कहां से आदत होगी कि ऊंट तो चल नहीं सकते थे, तू हिलते ही जमीन पे कोड़ा मारते तो जमीन रुक जाती है? तू उमर कहां से ऐसी सिफात तुम्हें पैदा होगी? कहां से आई? किसने तुझे उमर बिन फारूक फारूक बना दिया? फारूक उसकी नस्ल को फारूकी कहते हैं ना, तू फारूक कहां से बन गया? फारूक का मतलब क्या है? कि हक और बातिल में फर्क कर देने वाला। और उनकी हर औलाद यही काम करती है, मुजद्दद लिसान रहमतुल्लाह, हक और बातिल को, जिस हिंदुस्तान के अंदर बुरे हालात थे, कुफ्र आ चुका था, तो मुजद्दद लिसानी अल्हम्दुलिल्लाह उसी बाप का बेटा अल्लाह ताला ने उसको तैयार किया। और दिन हमेशा देखे खानदान फारूक जब निकलेंगे तो एक तूफान के साथ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उनका, हाँ तूफान के साथ वो अल्लाह ने सिर्फ दी कि तू फारूक जो नसर तक तेरी फर्क पैदा करती रही हक और बातिल के अंदर। ये क्या चीज थी जो तुझे बनाई? फारूक से पूछते हैं, कहते बात तो सही कर रहे हो, मैं तो बहुत फजूल किस्म का आदमी था, नबी को कत्ल करने जा रहा था, अपने आप को बहुत कुछ समझता था, अबू जहल का पक्का यार था मैं तो, क्या हुआ? कहते एक ही चीज ने मुझे अजीब कर दिया और एक सेकंड में कर दिया। वो क्या थी? सुबहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सेकंड की सोबत मुझे, एक नजर की सोबत मिली, तो मैं उमर से उमर बिन खताब से फारूक बन गया, फारूक बन गया। मेरे चर्चे आसमानों में होने लगे, मेरे नबी जब आसमान पर सैर करने गए तो उनके ये महल किसका है? वो समझे मेरा है, इतना हसीनो जमीन महल था कि अल्लाह के नबी समझे मेरा महल है, चलो अंदर चलते हैं, तो जीव समझ के रुक जाए कहां जा रहे हैं आप? कहते ये मेरा महल नहीं है, कितना हसीन, मेरे महल हो सकता है? कहते ये तो आपके गुलाम फारूक का महल है। वहीं रुक गए। सुबह क्या क्या सवाल जवाब क्या दिया? कहता अब मैं अंदर जाऊंगा, हया आती है फारूक के महल में जाने से, अब नहीं जाऊंगा इस महल के तरफ। तो ये वही फारूक, तो ये इंसान है। क्या बनाया? किसने बनाया?
ताबीन ने क्यों क्यों ताबीन कर दिया उनको, कजी हमारे पास तो कोई कमाल नहीं था, हमने तो उस इंसान को देख लिया उसकी सोबत ले ली जिसने नबी करीब सलम की सोबत ली थी, हमने उसकी सोबत ली, हम ताबीन बन गए, बड़े बुलंद इंसान बन गए। तो वह ताबीन आपको किसने मनाया, कोई इबादत थी ऐसी कि तहज्जुद पढ़ते थे या कोई नफिल थे, क्या चीज थी, किसने मनाया, ये यकीन आपका कहां से पैदा हुआ, उमर बिन फारूक तेरा यकीन कहां से आया, साहबी तेरा यकीन कहां से आया, ताबीन तुम्हारा यकीन कहां से आया, यकीन है ना, हज़रत उमर फारूक जितने बुलंद हुए किस वजह से हुए, एक सोबत बैठी और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा, यकीन पर पड़ता है। तो वो सिलसिला चलते चलते ये चाहा गया कि जब कोई किसी अल्लाह वाले की सोबत लेता है तो यकीन बुलंद हो जाता है। कुरान ने भी है कूनु मा सादिकीन, और कोई इबादत अगर यकीन को कायम रखना चाहते हैं दोस्तों, दैट्स द ओनली वन थिंग, सेलेक्ट सबसे पहले वो आदमी सेलेक्ट करो, ढूंढो उसको, उस आदमी को ढूंढना पड़ता है, पर उस आदमी को ढूंढो, जब वो आदमी मिल जाए उस सारे आदाब के साथ, कौन से आदाब, वही आदाब जो सहाबा कराम और नबी पाक दरमियान आदाब थे, जिस अदब से वो उनसे मिलते थे, जिस अदब से वो उनसे सोबतें लेते थे, जिस अदब से उनसे बात, वही आदाब जो ताबी जो था सहाबी से सोबत लेता था जिस आदाब के साथ, वही जो तबाताबी लेता था, वही जिससे औलियाना औलिया बने जिस आदाब के साथ, उसी आदाब के साथ उससे ताल्लुक रखो, उसी हिसाब के साथ, उन्हीं असूलों के ऊपर जब ताल्लुक उस इंसान से रखोगे, सोबत उस इंसान से रखोगे, मिलता क्या है, क्या बताता है, क्या तस्वीर देता है, क्या जिक्र, इससे कोई सरोकार नहीं, इससे आपको यकीन नहीं बढ़ेगा, जिक्र से नहीं बढ़ेगा, किसी चीज से यकीन नहीं बढ़ेगा, वाहिद अगर बढ़ेगा तो सोबत औलिया से बढ़ेगा। ये कौन कह रहा है, रोजा कह रहा है। तो अगर इस यकीन को कायम रखना चाहते हो रोजा कह रहा है, मैं तो गुड बाई हो जाऊंगा, आज 25 हो गए, 5 हो गए, 25 रह गए पीछे, है ना, 5 रोजे तो गुजर गए तब हमें ये पैगाम मिल रहा है, 5 रोजे सकता हूं ये समझ लेते जो हमें कमाल मिल रहा है भूख नंग से मिल रहा है, जो सवाब मिल रहा है ना, जरूर खजूर खाएंगे बस, अब सवाब इसी वजह से मिल रहा है, सुबह नहीं खाया शाम को खा लिया, आज रोजे ने बताया इस वजह से नहीं मिल रहा, तेरे यकीन से मिल रहा है। और इस यकीन को कायम करना चाहता है तो फिर कायम करने का तरीका भी मैं तुझे बताता हूँ, जा किसी अल्लाह वाले को ढूंढ जिसको लोग आज बेकार लोग समझते हैं, फजूल लोग समझते हैं, जाहिल कहता है, कोई फला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ड्रामा कहता है, कोई कुछ कहता है, कहता है उन्हीं आज बेहतर रिजाल है, बहुत मुश्किल से मिलेगा तुझे आदमी, अगर तू इस इंसान को पा गया तो तुझसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान ही कोई नहीं हो। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया के किसी खुशकिस्मत इंसान को आज देखना चाहते हो तो वो है जिसको कोई अल्लाह वाला मिल जाए। मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ और रोजे के साथ कहता हूँ, मुसल्ले बैठ पे कुरान की कसम खा के रोजे के साथ कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नेमत जिस पे अल्लाह ताला की होगी आज उस इंसान पे होगी जिसको अल्लाह वाला कोई मिल गया, ईमान मिल गया, उसको ईमान मिल गया, आखिरत मिल गई, जन्नत मिल गई, कुरान मिल गया, सारी चीजें इस्लाम की उसको मिल गई, अल्लाह से राजी हो गया क्योंकि यकीन उसके पास आ गया, उसका यकीन उसे कभी गुनाह नहीं करने देगा, उसका यकीन उसे कभी फ्रॉड नहीं करने देगा, उसका यकीन कभी उसे हिलने नहीं देगा, उस चीज के सामने भी नहीं आने देगा जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, और उससे दूर नहीं होने देगा जिससे अल्लाह राजी होते हैं, हजारों मील पैदल चलना पड़े हो पता है इससे अल्लाह राजी होता है, वो हजारों मील का सफर कर जाएगा, सारी सारी रात जाएगा, क्योंकि मेरा अल्लाह राजी हो रहा है इस चीज से तो मैं कैसे सो जाऊं, अजीब कैफियत पैदा हो जाएंगी, जहां रजा का मामला होगा वहां एक इंसान तूफान बन जाएगा, हर चीज कुर्बान कर देगा, नींद खाना पीना बीवी बच्चे सब, मेरा अल्लाह राजी हो रहा है इस चीज से, मुझे क्या फिक्र है, और जहां अल्लाह नाराजगी का सवाल आएगा हर चीज कुर्बान कर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अल्लाह को नाराज कर दूंगा अपने रब को नाराज कर दूंगा, इसका नाम क्या है ऊंचा बोलो मेरे भाई, ये है और ये कौन सा यकीन है, हाय हाय इमाम अंबिया फातिम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुआ मांगा करो दुआ, साहबा से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, दुआ मांगा करो दुआ, अल्लाह हम इस लोग का यकीन सादका, ए अल्लाह ताला मुझे सच्चा यकीन दिला, ताकीद करवा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी दुआओं में शामिल कर लो इस चीज को, यानी क्या लाजिम है तुम पे सच्चा यकीन पैदा कर लेना, वरना तुम तबाह हो जाओगे बर्बाद हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं।
तो इलाज ये है, दो इलाज हो गए हमारे पास। एक अल्लाह ने फरमाया दुआ, ये दुआ क्यों है सुने आप, अल्लाह हम इस किन सादका, ये दुआ किस चीज की, कि अल्लाह ताला हमें सच्चा, हाँ ये अब दुआ है क्या, क्या समझे अल्लाह पाक ने, अल्लाह ने फरमाया कि ये दुआ जो है सच्चा यकीन दिला, ये दुआ हकीकत में क्या मांग रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे किसी अपने दोस्त से मिला, वो ये दुआ है, हकीकत में दुआ मांग रहे यकीन सादका, तो ये क्या कह रहे हैं आप, अल्लाह ताला मुझे अपने किसी दोस्त से मिला, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मुझे अपने दोस्त तक पहुंचाओ, उसकी कदर नसीब फरमा, मुझे उसकी अजमत नसीब फरमा, उसकी शान उसका तकद्दस मुझे नसीब फरमा, ताकि मैं उससे फैजयाब हो सकूं, मैं महरूम ना रह सकूं इस दुनिया के अंदर। तो वही सहारा है जहां से यकीन हमें मिलेगा, जहां से कुरान हमें मिलेगा, जहां से तफसीर हमें मिलेगी, जहां से हमें ऐकान मिलेगा, सब कुछ वहीं से मिलेगा, मुझे उसके दर तक पहुंचा, अल्लाह हमें सोचा यकीन सादका सच्चे इंसान के पास मुझे पहुंचा। क्या अजीब तर्जमा हदीस का, आप ये देखें मौलाना पर आया तर्जमा कभी दिमाग में हम तो ये कहते हैं यकीन सादक होते हैं, यकीन यकीन सच्चा कहां से आएगा, लेकिन भाई उस सोर्स को मांगो अल्लाह से, यकीन मांगने से उस सोर्स को मांग रहे हैं अल्लाह ताला जहां से हमें मिल जाए। तो एक चीज तो ये होगी, हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी इस काबिल बना कि मैं उसकी कदर कर सकूं, और मुझे वहां तक पहुंचा भी ताकि मैं उस इंसान तक पहुंच सकूं, जिसके लिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दुआ के लिए, अगर किसी को वो इंसान मिल जाए वो तो मिट्टी हो जाए उसके सामने कि मुझे अपना मंजिल मकसूद मिल गया। लेकिन आज कौन किसी की कदर करता है, कोई है आदमी ऐसा कि अगर मिल भी जाए तो टकेगा नहीं समझते उसको, जब कौन सुनता है उसकी बात, कौन जानता है उसको, एक सतह पे रखते हैं उसको, बस इस सतह पे नहीं देखते कि जितना इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, अंदाजा लगाए कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया जो अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ में फरमाया था, जिसको मिल जाए उसका क्या हाल होना चाहिए, इसके साथ क्या उसको तकलीफ दी जाए, उसके सामने गुनाह करके क्या उसको तकलीफ दी जाए, उसके सामने बेअदबी करके क्या उसको तकलीफ दी जाए, उसकी बेइज्जती करके, सोचिए ये तो वही हो जाए कि हज़रत नाउज़ बिल्ला अस्तग़फ़िरल्लाह अबू बकर सद हज़रत उमर बिन फारूक जिसकी वजह से फारूक बने उसी को खड़े उसके सामने खड़े हो जाए। ये अकीदा जब तक नहीं होता अपने शेख से, इंसान शेख से ले क्या सकता है, मुझे बताया तसव्वुर कैसा हो जाए कि शेख कह दे तूने काम नहीं करना वो काम करे, मुझे बताया, वो तो सबसे बड़ा मुनाफिक झूठा है। अल्लाह कहता है कि मैंने तेरी दुआ को कबूल किया, मैंने उस इंसान तक पहुंचाया, वहां तक तुझे ले गया, उसके बाद कोई भी तेरे अंदर वो चीज नहीं देखी कि जिस मसमत है तेरे तलब थी तेरे अंदर यकीन पाने की, तू दोजख से बचना चाहता था, ये भी शायद लगता तू इसलिए चाहता था, दुनियादारी चाहता था, एक बनावट चाहता था कि लोग बताता फिरे जी मैं तो फलां का मुरीद हूं, जी मैं तो फलां का आदमी हूं, तो फलां का आदमी हूं, मैं तो फलां का इंसान हूं, पैसे कमाने के लिए, माल कमाने के लिए, चंदा कमाने के लिए, पता नहीं क्या कुछ खुबासत थी जो अल्लाह ताला जानता था, काश तू ये नजरिया लेके जाता कि मैं दोजख से बचना चाहता हूं, जन्नत को लेना चाहता हूं, तेरी रजा चाहता हूं, इसलिए मुंबई फैज के पास में पहुंचता हूं, यहां से मुझे फैज पहुंचे, तो घर दूसरे होते, जिंदगी दूसरी होती, हालातें दूसरी होती। बात बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, रुकने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमारी सलाह फरमाए, और खोखला नजर आते हैं आदमी, डब्बा नजर आ रहे हैं डब्बे बिल्कुल देख ले, खान कहते हैं तो ऐसी चीजें बड़े बड़ों को नंगा कर देती है आदमी बड़े बड़े वहां नंगे हो गए जाते हैं, बड़े बड़े चौधरी है कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं होता। वही जैसे मैंने एक वाक्य आपको सुनाया था, तीन हजरात थे बड़े ऊंचे हजरात, हजरत खैर दीन रहमतुल्लाह जो खलीफा अजल थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह के, हजरत खैरुद्दीन जिनका बहुत बड़ा मदरसा है, खैर मुदारिस मुल्तान का माना मदरसा, 5,000 आदमी पर उस जमाने का कायम किया हजरत थानवी रहमतुल्लाह के हुक्म पर, उनके मैंने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुरीद थे खैरुद्दीन के, खुद मेरे जानने वाले मेरे रिश्तेदारों में थे, लाजवाब था, क्या अजीब मौत उस शख्स की। मैं कहा ताल्लुक आपका किससे था, मुझे बताया खैरुद्दीन साहब से मेरा ताल्लुक था। ये है मुंबा जहां से इंसान बन जाता है आदमी, मैंने उनकी मौत देखी है, मेरे अजीजों में से थे, मैं ताजुब करता हूं, मैं इस जमाने के अंदर ये आपकी ये जिंदगी, आपका ये मामला और आपकी ये बातें, ये आपका माहौल, मैं आपका ताल्लुक है किसी से, कहता हाँ है तो सही, मैं किससे है किससे था, कहते हजरत खैरुद्दीन साहब वो थे, और मुफ्ती शफी साहब, ये मुफ्ती शफी साहब
जिन्होंने लिखा कुरान का मारफुल कुरान लिखा है, वो दोनों अपने शेख के पास गए हुए थे, हुजरे में मौजूद थे, एक एक कमरे के हुजरे में वो मौजूद थे, दूसरे में वो मौजूद थे, और शेख की खानकाह थी, शान खान के शेख कौन थे, अस्थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी रोने की आवाज़ आई, हजरत खैरुद्दीन साहब के चीखने लगे, रो रहे थे। तो उठ के गए कि भाई क्यों रो रहे तो, मुफ्ती साहब, मुफ्ती शफी साहब गए, खैरुद्दीन क्यों रो रहे तो, कहते यार मैं क्या बताऊँ, मैं तो हकीकत यह है कि मैं रोज़ ले रहा हूँ, रात का वक्त था कि मैं जब बैठता हूँ हजरत के सामने, वो सारे मुरीदीन बैठते हैं, तो मैं तो वहाँ बिल्कुल बैल नज़र आता हूँ, बैल समझते हैं ना, बैल, बिल्कुल बैल, यानी बिल्कुल बेवकूफ़, अंदर कुछ है ही डब्बा, इतना बड़ा इंसान, वहीं से पढ़ा लग आलिम। वो बिने लोग क्यों, कहते यार ये हाल तो मेरा भी है, सुभान अल्लाह, रयाकार लोग नहीं थे, कहते ये तो यार मेरा भी हाल है। वो भी रोने लगे कि मैं आपसे बात करने वाला था, मैं है ही कुछ नहीं, मैं आपको कहता हूँ आलिम हूँ, मैं कुछ करें क्या फिर, कहते यार शेख से बात करते हैं सुबह, हम तो आए इसलिए, हम हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल अमन था है ही कुछ नहीं, ईमान ही नजर नहीं आता, यकीन नहीं है। और वो अब शेख के पास चले गए, स्थानीय रहने के पास सुबह, दोनों रो रहे हैं कि क्या बात क्या हुआ, कि हम अपने अहवाल बयान करना चाहते हैं, बयान करो। जब उन्होंने अपने अहवाल बयान किए तो हजरत भी रोने लगे, ये खान का हाल है। कहता है क्यों हजरत आप क्यों रोने लगे, कहता है आप अपना हाल बता रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं बैठता हूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल मैं अपने आप को बैल समझता हूँ। अल्लाह कितना दर्जे के आदमी, जब तक इंसान अंदर से नंगा नहीं होगा उस वक्त तक इंसान कुछ भी नहीं, जब तक कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं बनता। एक एक बात में हवाले देने, ये हम बस आलम ही कर सकते हैं, अलम ही कर सकते हैं, अलम ये बात है अंदाजा लग रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों, ये रास्ता और है और आखरत का रास्ता और है, दो रास्ते बहुत जुदा रास्ता है। इसके लिए तो खानकाहें चाहिए, कोई अल्लाह वाला चाहिए और कोई नज़र चाहिए जिसके बाद इंसान में यकीन पैदा हो जाए। अल्लाह से दुआ करें जिस तरह नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमें यकीन सादका दे। क्या मतलब इसका, कि हमें सच्चा शेख दे। और इस दुआ, अगर दुआ कबूल हो जाए और कोई मिल जाए, फिर बंदे का पुत्र बन जाओ, फिर इंसान बन गए, फिर दामा किया तो इतनी सजाएं हैं इसकी, ना ये इमाम बचा सकेगा, ना ये दाढ़ी बचा सकेगी, ना ये सफेद लिबास बचा सकेगा, कुछ नहीं बचाएगा, कुछ नहीं। बहुत सख्त सजाएं आएंगी कि तू सबसे बड़ा फ्रॉडी इंसान था। फिर आप जुत जाए उस चीज पर, फना हो जाए अपने शेख, इसको कहते हैं फना फिर शेख, हद खत्म हो गया, बस मिट्टी हो गया, फिर खत्म, जितनी कुरबानी भी देनी पड़े फिर खत्म। एक शख्स मुझे याद आया मेरे पास, सुभान अल्लाह, आज 30 साल पहले, करोड़पति शख्स था, अरबों उसका बैंकों में पड़ा था, हजारों करोड़ों का उसका सूद था, गुजरता मेरे पास आ गया, खानका में आ गया, नजर पड़ी, अल्लाह का उस पर फजल हुआ, कहता जी बैत करो, मैं बैत का तो एक ही चीज़ है जो हराम है छोड़ दे, कहता ये वादा है ये छोड़ देता हूँ। वापस गया, पाकिस्तान पहुंचा, कराची में जितने बैंकों में पैसा, जमीन फेंक दिया, करोड़ों रुपये गुजार दिए, फिर बिल्कुल फांक हो गया, बिल्कुल गरीब हो गया अल्लाह के फजल से। वो गरीब हो गया, अल्लाह के नजदीक बड़ा बुलंद हो गया, जिंदगी भर उसकी कभी ऐसी नमाज ना गई, कजा हुई ना, जिक्र गया ना, कुरान गया, ऊपर से लेकर जिंदगी सारी उसकी अल्लाह अल्लाह के रसूल के मुताबिक होगी। पता हक दिया ना शेख का उसने, उस दुआ का हक दिया ना, कि मांगता तो मैं यही था। तो जब अल्लाह उस मंजिल तक पहुंचा दे तो फिर वहां ड्रामे करने, वो क्या हिस्सा है, वो तो ना आदमी तीतरा ना बटेर। पहले तो कह जी मैंने पानी पीना है, या ना पानी पीना है, अल्लाह ठीक है पानी पिलाता हूँ, कुएं तक पहुंचा दिया, कहते जी मैंने नहीं पीना। ये तो वही साहब हो गए, मैंने पानी नहीं पीना, यार मैं इतनी मुश्किल से तुझे यहां तक लेके आया हूं, मुझे पता था कुआं यहां पर है, तो पानी पानी कर रहा था, मैं तुझे कुएं तक पहुंचाया और तू कुएं पे आके खड़ा हो गया, मेरी तो सारी मेहनत जाया कर दी। ऐसे इंसान ना बने, प्यासे बनो, प्यासे, प्यासा बन गया इंसान सुभान अल्लाह तो कुआं सैराब कर देगा तुम्हें, सुना सर आपको। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।